हेलो दोस्तों, अगर आप बैंगन आलू की सब्ज़ी खा खा कर बोर हो गए हैं तो मेरे तरीके से बैंगन दम आलू और सोयाबीन मिक्स सब्ज़ी बनाकर ज़रूर खाइए, वो भी बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैं 2 बैंगन ले ली हूँ और बैंगन को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में है ना कट कर ली हूँ, बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि बैंगन है ना जल्दी गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा बड़ा पीस में कट कर लीजिएगा। और 250 ग्राम मैं सोया बड़ी ली हूँ सोयाबीन, और ये बॉयल आलू है। तो तीनों को है ना मिक्स करके बहुत ही लजीज और हेल्दी सब्जी बनाएंगे, ना ज़्यादा तेल और ना ज़्यादा मसाला, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को बॉयल करेंगे, पहले भूंज कर। तो यहाँ पे हम पैन चढ़ा दिए हैं, पैन में करीब 2 चम्मच हम तेल डाल दिए हैं। उसके बाद इनको है ना हम भूंजेंगे, तो गैस का फ्लेम है ना मीडियम रखिएगा, तेज कीजिएगा ना जल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सोयाबीन को 2 तरीके से भूना जाता है। तो हम 2 चम्मच कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं सोयाबीन डाल के, उसके बाद है ना हम पानी गर्म करके फिर उसमें हम डाल देंगे। एक ये तरीके से किया जाता है और एक तरीके होता है, पहले पानी गरम कीजिए, उसके बाद पानी में उबाल आ जाए उसके बाद सोयाबीन को आप डाल दीजिए, फिर उसका पानी निचोड़ कर फिर तेल में है ना इसको भूंजा जाता है। तो हम इस तरीके से पहले इनको भूंज लेते हैं, उसके बाद गरम पानी में इनको हम डालेंगे। तो ये देखिए भूंजा गया है, इनको सिर्फ है ना कलर चेंज करना है और क्रिस्पी बनाना है। तो ये देखिए लाल लाल हो गया है, अब ज़्यादा नहीं भूंजिएगा और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, तेज कीजिएगा फिर जल जाता है। अब सोयाबीन में है ना करीब 1.5 से 2 गिलास हम पानी डाल दिए हैं दोस्तों, तो पानी में बॉयल आ जाएगी ना तो ये सोयाबीन है ना फूलने लगेगा। तो उसके पहले यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, जब आप बैंगन आलू और सोयाबीन का सब्जी खाएंगे ना तो सोयाबीन से है ना नमकीन नमकीन टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में, इसीलिए है ना आप यहीं पे नमक डाल दीजिए। और ये पानी है ना इनको बिल्कुल नहीं फेंकिएगा, डायरेक्ट हम फिर आलू बैंगन की सब्जी में डाल देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से फूल गया ना, अब इनको हम रख देते हैं एक बर्तन में। उसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच हम तेल डाले हैं, फिर हम बैंगन को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा मिला देते हैं, उसके बाद इनको हम ढक देंगे। दोस्तों बैंगन को सही तरीके से कैसे पकाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप बैंगन फ्राई करते हैं ना तो गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा, कम कीजिएगा ना तो ये है ना काढ़ा हो जाएगा। और हाई कर कर हाई मतलब गैस का फ्लेम हाई करके इनको पकाइएगा ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं हाफ ये कुक हो गया है। तो इनको ज़्यादा भी नहीं पकाइएगा नहीं तो ये टूट जाएगा, फिर सब्जी में बैंगन दिखेगा ही नहीं, इसीलिए इनको है ना हाफ कुक कीजिएगा। तो ये हो गया है, अब इनको भी हम साइड में रख देते हैं फिर आगे की प्रोसेस। तो यहाँ पर हम फिर से कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई में करीब 5 से 6 चम्मच तेल डाले हैं। उसके बाद 2-3 तेज़पत्ता, 2 सूखा मिर्च, 1 चम्मच पचफोरन, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है सब्जी में, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा सरसों और 2-3 दालचीनी का टुकड़ा, सबको थोड़ी देर चटकने देते हैं। उसके बाद 1 बड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे हम लंबा लंबा पीस में, इनको हम थोड़ी देर के लिए भूनने देते हैं, ये सॉफ्ट हो जाएगा ना। उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे बेसन, अब प्याज बेसन सबको एक साथ हम थोड़ी देर के लिए ना पकाएंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा क्योंकि बेसन डालें तेज में बेसन को पकाइएगा ना जल जाएगा, फिर अच्छी खुशबू नहीं आएगी। तो यहाँ पे मसाला है ये सब्जी के लिए स्पेशल मसाला, जीरा काली मिर्च अदरक लहसुन और सरसों का पेस्ट है, यानी सबको मिलाकर हम पीसे हैं। बैंगन आलू और सोयाबीन का मिक्स सब्जी बनाएंगे ना तो ये सरसों जरूर डालिएगा, सरसों का ग्रेवी। अब हम सबको है ना पकाएंगे, तो सबसे पहले मसाला डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अपने अनुसार कम ज़्यादा, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे सब्जी मसाला। उसके बाद हम यहाँ पे डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे
उसके बाद सबको एक साथ मिला कर रहना। मसाला को पकाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। उसके बाद एक बड़ा सा कटा हुआ प्याज, ये सॉरी टमाटर। उसके बाद है ना, अब सबको है ना करीब 7-8 मिनट तक पकाएंगे मीडियम आंच में। इनको हम ढक देते हैं। तो ये 5-6 मिनट हो गया है दोस्तों, ये बहुत अच्छी तरीके से पक गई है, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाला का। तो अब यहाँ पे हम डाल देते हैं बॉयल किया हुआ आलू। अब मसाले के साथ आलू को हम पकाएंगे, क्योंकि बैंगन फ्राई है, सोयाबीन भी वो भी फ्राई है। उसके बाद आलू को है ना हम मसाले के साथ करीब 10 मिनट पकाएंगे। तो अब आलू को हम 10 मिनट भूंज लिए मसाला के साथ। अब डाल देते हैं बैंगन। तो बैंगन को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ी देर के लिए हम इनको मिला लेते हैं। इनको ढकना नहीं है, ये तो ये टूट जाएगा बैंगन। अब यहीं पे हम सोयाबीन और सोयाबीन का जो पानी था ना, दोनों को हम डाल देते हैं और एक गिलास के लगभग पानी डाल देते हैं। अब सबको अच्छी तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन। अब इनको हम ढककर बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बॉयल बहुत अच्छी तरीके से आ गई है और सब्जी भी पक गई है। तो देख लीजिए बैंगन, आलू और सोयाबीन की मिक्स सब्जी कितना बढ़िया, ज़्यादा तेल भी नहीं, आप देख सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं धनिया का पत्ता और अच्छा टेस्ट आने के लिए। अब इनको हम मिला लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, बैंगन, आलू और सोयाबीन की मिक्स सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं सोयाबीन और बैंगन आलू की सब्जी। तो दोस्तों, आप बैंगन आलू की सब्जी तो खाते रहते हैं, एक बार है ना इस तरीके से बैंगन आलू और सोयाबीन की मिक्स सब्जी बनाकर खाइएगा कि आप है ना बैंगन आलू की सब्जी जब भी बनाइएगा ना, तो आप ज़रूर सोचिएगा कि इसमें है ना सोयाबीन डाल ही देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सब्जी लगती है खाने में। इनको चावल रोटी के साथ सबसे बढ़िया, ये चावल के साथ अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी है ना इस तरीके से सब्जी बनाकर ज़रूर खाइएगा दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।